इस गोला बारूद को देखकर आप सोचिए अगर ये एक साथ फट जाए तो क्या होगा। ये तैयारी दीपावली को लेकर चल रही ताकि मार्केट में इस गोला बारूद को खपाया जा सके, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इस अवैध कारखाने का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने कसेर कला में एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के ही पटाखे बनाए जा रहे थे, जो किसी खतरे से कम नहीं था। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि कसेर कला में एक फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री को बंद करवाया। इन पटाखों को दिल्ली NCR में खपाया जाना था। बरामद पटाखे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना डिबाई को आज एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पटाखों के निर्माण की सूचना मिली, जिसके क्रम में डिबाई पुलिस द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान डिबाई पुलिस द्वारा भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित पटाखे अवैध रूप से बनाए जा रहे थे, उसकी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रशासन अवैध पटाखा फैक्ट्री को लेकर अलर्ट है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वक्त रहते और भी कई अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।